Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are doing very well with good health. I'm your science teacher and I welcome you all to the science online class. I would like you all to take out your science books and page number 12. So our today's topic is organ system. ऑर्गन सिस्टम हम लोग हम लोग अपना बॉडी के लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं ठीक है जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया कि सेल्स से हमारी बॉडी बनती है सेल्स आर द यूनिट ऑफ द बॉडी ठीक है उसके बाद सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाते हैं अब ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं ठीक है एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ मेड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ये ऑर्गन सिस्टम किससे बना है डिफरेंट ऑर्गन से बना है विच ऑल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेशल जॉब फॉर योर बॉडी जो आपकी बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं डिफरेंट जॉब जो है वो uh, परफॉर्म करते हैं डाइजेस्ट जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है आपकी खुराक हजम करने में हेल्प करता है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है आपकी बॉडी में जितना ब्लड है उसको सर्कुलेट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको सांस लेने में मदद देता है ऑल आर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ आर बॉडी ये सारे क्या हैं ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं यानी डाइजेस्टिव सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पायरेटरी सिस्टम ये हमारे ऑर्गन सिस्टम के ये हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स हैं योर सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सच एज़ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स अब सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना है दिल और ब्लड वेसल्स जो आपकी ब्लड रगें होती हैं उससे खून की रगें दे ऑल वर्क टूगेदर टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट और योर बॉडी अब ये इनका क्या काम क्या होता है आपकी बॉडी में जितना ब्लड है उसको सर्कुलेट करना ठीक है क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम इज़ कॉम्प्राइज ऑफ नोज माउथ ट्रैचिया लिरिंग्स फेरिंग्स एंड लंग्स अब ह्यूमन रेस्पाइरेटरी सिस्टम जो है वो इन चीज़ों से बना है जनि नाक माउथ मुंह आपका ट्रैक किया ये हमारी लंग्स के अंदर होता है ठीक है लिरिंग्स फेरिंग्स एंड लंग्स ये सारे लंग्स के सिस्टम्स हैं जिसके मदद से हम लोग सांस लेते हैं सांस की नाली ये सब ठीक है ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क टूगेदर टू हेल्प सस इन्ेल ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आर बॉडी अब इन सब ये सब चीज़ें क्या ये सब ऑर्गन क्या करती हैं हेल्प करती हैं हमारी ऑक्सीजन को इन्हील करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में यानी सिम्पली सांस लेने में ठीक है कुछ इंपॉटेंट ऑर्गन सिस्टम हमारे ये हैं उनके फंक्शंस एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प्स अस रिमूव वेस्ट मटीरियल फ्राम आर बॉडी अब आप जो यूरिन करते हैं ठीक है, है? यूरिन आपकी एक्सट्रीटरी सिस्टम से होता है आपकी बॉडी का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सट्रीटरी सिस्टम से रिमूव हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इस डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम आपके फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है मस्कुलर सिस्टम क्या करता है आपकी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है स्केलेटन सिस्टम क्या करता है सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ़ द बॉडी आपकी जो बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसको स्केलेटन सिस्टम प्रोटेक्ट करता है और प्रोड्यूस बॉडी सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स और बॉडी सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और मिनरल्स को स्टोर करने में अब नर्वस सिस्टम हेल्पस ट्रांसफ़र सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन अब ब्रेन से हमारे जो सिग्नल्स आते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए वो करना चाहिए तो वो नर्वस सिस्टम का काम है ये ट्रांसफ़र करती है सिग्नल ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और स्पाइनल कॉर्ड से और टू द डिफरेंट बाकी सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर बॉडी को सो ये हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस थी नाउ आई वुड लाइक यू ऑल टू टेक आउट पेज नंबर फोर्टीन ताकि हम लोग बुक एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें आई वुड लाइक यू ऑल टू टेक आउट योर पेंसिल्स ठीक है सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स नंबर वन है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड सेल नंबर टू two or more types of dash combine together to form an organ two or more types of tissues t i s s u e tissue number 3 is circulatory system is made of dash and dash abhi hum logo ne hai circulatory system is made of heart and blood vessels h e a r t heart and बी एल डब्लो डी ब्लड वी ई डबल एस ई ए एल एस वेसल ब्लड वेसल्स नंबर फोर वी कैन ओनली सी सेल्स थ्रो आ माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग सेल्स देख सकते हैं नंबर फाइव हार्ट लंग्स किडनी स्किन एंड स्टमक आर सम इम्पॉर्टेंट डैश ऑफ ह्यूमन बॉडी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स number 6 dash tissues give shape to human body bone tissues 7 dash is the third level of organization of the human body organs dash system helps us in movement muscular system 9 dash is the most amazing machine human body is the most amazing machine 10 dash is a network that transmit messages back and forth from the brain to the different parts of body nervous सिस्टम एन ई आर वी ओ यू एस एस वाई एस टी ई एम नर्वस सिस्टम सो दिस वॉज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी हु एम आई ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं आपने इनको गेस करना है कि ये क्या है नंबर वन है आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर आई कंट्रोल योर बॉडी आई एम योर ब्रेन नंबर टू वी हेल्प यू मूव वी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टूगेदर वी आर योर मसल टिश्यूज़ नंबर थ्री वी मेक अप योर बॉडी यू कैन नॉट सी अस वी आर सेल्स नंबर फोर आई लिव इन साइड योर चेस्ट आई पम्प ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स आई एम योर हार्ट एच ई आर टी फाइव आई हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड आई एम योर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है ये आपने साथ साथ लिख लेना है नाउ मूव टूअर्ड्स पेज नंबर फिफ्टीन ट्रू फॉल्स हैं इनको भी कर लेते हैं number 1 has skin protects our internal body organs from outside environment this is true number 2 cells having same structure and function make up tissue true number 3 heart is an organ involved in our digestive system false number 4 different organs work together to form an organ system true number 5 cells are the building blocks of human body true number six our respiratory system helps us in digesting food false respiratory system helps in um, inhaling the oxygen and exhaling the carbon dioxide number seven organ system which remove waste material from our body is called excretory system true eight we can see cells with naked eye false nine human body has three levels of organization false नंबर टेन बोन सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म बोन टिश्यूज़ ट्रू सो आपने इसको अपनी बुक पे कर लेना है ठीक है इनशाला कमिंग क्लासेस में फिर हम नेक्स्ट uh, जो है अपना काम फर्दर मूव करेंगे टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह